पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टंडो आदम के कारकुनान की जानिब से टंडो आदम में दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में पीटीआई लेडीज़ विंग की रहनुमा सैयदा तस्नीम जोरा और पीटीआई के रहनुमा अमीर बख्श जस्कानी ने बड़ी तादाद में कारकुनान के साथ बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की, जहाँ मेहमानों का भरपूर इस्तकबाल किया गया। सैयदा तस्नीम जोरा ने टंडो आदम दफ्तर का इफ्तिताह किया। आप मुकाबला कर सकते हो, लेकिन अपनी टीम बनाओ। हम मुंह तोड़ जवाब हर पार्टी को दे सकते हैं। ये मत समझो कि हम जो है किसी के मोहताज है। तुम किसी के मोहताज नहीं हो, लोग हमारे मोहताज हैं। तो क्या ये मेरी आवाज ऊपर तक नहीं जाएगी, या यहाँ पर एजेंसियां नहीं होंगी, या मेरी स्पीच कहीं जाएगी तो क्या वो गौर से नहीं सुनेंगे? क्यों? क्या हम में बड़ी ताकत है? मैं एक औरत होकर तुम्हें हिम्मत दिलाती हूँ। अरे नाजिम की क्या हैसियत है कि वो कचरा साफ ना करे या नाली साफ ना करे, उसको लगाओ जूते और बांधो खंभे से, कैसे काम नहीं करेगा? वो तुम्हारा मोहताज है, तुम उसके मोहताज नहीं हो। लेकिन आप लोग अपने में हिम्मत पैदा करो, एक दूसरे के ऊपर मत छोड़ो। ये सोचो कि ये गौरी नहीं, हम सब गौरी हैं। तो मेरा ख्याल आप किसी के भी आगे नहीं झुकोगे और इंशाल्लाह आपका कारवां बढ़ता चला जाएगा। क्यों कि मैं खुद अपने इलाके में एमक्यूएम के गढ़ में रहती हूँ, मैं इलेक्शन भी लड़ती हूँ, मैं बाहर निकलती हूँ तो लोग कहते हैं तस्नीम जरा किया। पीटीआई टंडो आदम के रहनुमा रफीक गौरी ने टंडो आदम आमद पर मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और इलाके के मसाइल को उजागर किया। सैयदा तस्नीम जोहरा ने टंडो आदम के मसाइल आला हुकाम तक पहुंचाने की यकीन दहानी कराई और सिंध हुकूमत को तंबीह की कि सिंध हुकूमत टंडो आदम के देरीना मसाइल हल करे।